हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का SHM न्यूज़ के एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन की जो बैठक खत्म हुई उसका क्या फैसला निकला, फाइनली उसका फैसला आया क्या आया। तो देखिए, आज की जो कल की बैठक हुई थी जो, उसमें भी नहीं बनी सरकार और किसान संगठनों के भी बीच बात। और नेक्स्ट जो सुनवाई है 15 जनवरी को बैठक होगी और उसमें क्या होगा। इसमें देखिए, कल की जो हुई केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की जो बातचीत थी वो भी बेनतीजा रही। किसान संगठन जहां तीनों कानून की वापसी जिद पर अड़े रहे, वहीं सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वो कानून में संशोधन नहीं करेंगे। अब सरकार और किसान संगठनों के बीच अगली वार्ता 15 जनवरी को होगी। किसान आंदोलन से जुड़ी दिन भर की खबरें हम आपको बताते रहेंगे इसी चैनल पर। और साथ ही दोस्तों देखिए, 8वें दौर को जो वार्ता हुई थी उसमें भी विफलता प्राप्त हुई, तो इसका जो फाइनली जो आना चाहिए था वो 6:30 बजे के आसपास, लगभग 6:24-25 के आसपास इसका फैसला आ गया था। 8वें दौर की विफल वार्ता के बाद किसान संगठन ने अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। ऑल इंडिया किसान महासभा के जो सचिव हैं हनन मौल्ला जी, उन्होंने कहा कि हमारे बीच बहुत सारी बहसें हुई है और बहुत सारी तीखी बहस हुई है जिसमें हमने ऐसा कुछ कहा। हमने कहा कि हम कानूनों की वापसी के अलावा कुछ भी नहीं चाहते, मुल्ला ने कहा। जो मुल्ला जी है उन्होंने कहा कि आगे हम किसी अदालत में नहीं जाएंगे, या तो कानून वापस लिए जाएंगे या फिर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही इन्होंने ये भी नारा दिया था, इफ़ यू डू योर ला वापसी देन वी विल गो अवर होम वापसी, मतलब घर जब भी जाएंगे जब कानून वापसी होगी, वरना हम घर को वापस नहीं जाएंगे। तो देखिए, इसी प्रकार की खबरें जो ब्रेकिंग अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी। आज की क्या ब्रेकिंग अपडेट वो भी हम आपको बता देंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।